हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज बात करेंगे मित्रों, IRDA एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें, ऐसे क्या टिप्स हैं जिसको ध्यान में रखकर हम IRDA एग्जाम को एक बार में पास कर सकते हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन सा टिप्स इस्तेमाल करें जिससे हम IRDA एग्जाम को एक बार में पास करें। सबसे पहले तो हमें IRDA एग्जाम के रूल को समझना है। रूल क्या है? 50 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन एक नंबर का होता है, टाइमिंग हमको एक घंटे की मिलेगी यानी 60 मिनट की, माइनस मार्किंग नहीं है यानी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होनी है, गलत आंसर देने पे कोई मार्क नहीं कटना है, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर से परीक्षा देना है, माउस से परीक्षा देना है, तो लिखने पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपने एग्जाम का डेट सेलेक्ट कर लिया है तो एग्जाम का डेट सेलेक्ट करने के जस्ट बाद आप अपनी बुक, अपनी कॉपी या अपने ऐप या ऑनलाइन जहां से भी आप स्टडी कर सकते हो, स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आप पूरे के पूरे सेट को देखिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखिए, और साथ ही साथ जहां से भी पढ़ सकते हो, जिससे भी पूछ के पढ़ सकते हो, जो आपका गुरु पढ़ा सकता है उसके साथ मिलकर पढ़िए। तीसरी चीज, जैसे ही एग्जाम का डेट केवल 2 दिन रह जाता है, यानी कि गुरुवार को एग्जाम है तो सोमवार मंगलवार से तेजी के साथ पढ़िए, पूरी शिद्दत के साथ पूरे मन लगा के पढ़िए, 2 दिन के लिए डूब जाइए, 2 दिन के लिए कोई भी अन्यत्र काम, कोई भी फालतू काम नहीं करने हैं, केवल और केवल IRDA की स्टडी करनी है। 2 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन के लिए डूब जाइए, लेकिन डूबेंगे तभी सारी चीजों को सीख पाएंगे, तभी हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो क्या करना है, कुछ समय के लिए, 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए एकदम IRDA की किताब में डूब जाना है, उसके ऐप में डूब जाना है, और आपको कम से कम 5 सेट हल करके अपने को ट्राई कर लेना है कि हम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। 50 क्वेश्चन करने पे हमारा नंबर कम से कम 50, 40, 30, 20 आ रहा है कि नहीं। पासिंग मार्क 17 है मित्रों, तो 17 तो हर हालत में आना ही है, और 17 नहीं लाएंगे तो पास नहीं होंगे। तो समझना ये है कि हमें कम से कम 17 लाना है, और उसके लिए ये हमको तैयारी करनी है। मित्रों, 50 क्वेश्चन में अगर हम प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत को समझें तो प्रोबेबिलिटी की सिद्धांत कहती है कि 50 क्वेश्चन में A, B, C, D 4 ऑप्शन होते हैं, और चारों ऑप्शन को अगर देखा जाए तो 12 से 13 ए सही होगा, 12 से 13 बी सही होगा, 12 से 13 सी सही होगा, और 12 से 13 डी सही होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि डी 10 सही हो, तो सी हो सकता है 15 सही हो, ए हो सकता है 10 सही हो, तो बी हो सकता है कि 15 सही हो, या कुछ और ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन सही होगा। कभी बी सही होगा, कभी ए सही होगा, कभी डी सही होगा, कभी सी सही होगा, लेकिन करना क्या है कि हर क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के एग्जाम देना है, और छोड़ना किसी को नहीं है। अगर आप पढ़ के एग्जाम देते हैं तो समझ में आएगा। अब उसमें एक चीज को समझना है कि अगर आप क्वेश्चन आया आपके सेट पे और आप पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर आंसर नहीं आता है तो आप इस चीज को समझिए कि गलत आंसर कौन सा है, यानी कि ए गलत हो सकता है, बी गलत हो सकता है, सी भी गलत हो सकता है, तो बचा डी, यानी यही सही होगा, या आपको लगता है कि सी तो हो नहीं सकता है, बी ए भी नहीं हो सकता है, डी ए भी नहीं हो सकता है, तो ए वाला ही सही होगा, इस सिद्धांत पे टिक लगाना है। दूसरा चीज, दूसरा सिद्धांत क्या अपनाना है कि जिसमें कभी कभी होता है कि कोई उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उस पे भी टिक लगाना है, क्योंकि मे भी हो सकता है उसके ज्यादा सही होने के चांस है। नेक्स्ट चीज कि कुछ कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कंफ्यूजन का मतलब कि इतने बड़े रहेंगे कि एक तरफ से पढ़ते आएंगे दूसरी तरफ से भूल जाएगा। एक
ऑप्शन पढ़ेंगे दूसरा ऑप्शन भूल जाएगा, दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे पहला भूल जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लेंथी टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम नुकसान हो, और इस दो चार क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। ये चार क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, सही सही भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी का टाइम आपका इतना निकल जाएगा कि 30-40 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो ऐसे लेंथी टाइप के क्वेश्चन में अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है आपको। इन क्वेश्चन को सी पे टिक लगाइए, डी पे टिक लगाइए, टिक लगा के आगे बढ़िए। अपने एक कॉपी मिलता है, नोट मिलता है, उसमें आप नोट कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को हमको दोबारा देखना है, अगर टाइम बचा तो, नहीं तो हम किसी एक पे टिक लगा रहे हैं, जिस पे अच्छा लग रहा है उस पे टिक लगा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा कि डोंट लीव द क्वेश्चन विदाउट एंसरिंग, यानी बिना एंसर दिए आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, समय से क्वेश्चन को पूरा कर लेना है। अगर बाय द वे लगता है कि हमने 50 मिनट का समय ले लिया और 30 ही क्वेश्चन किया, तो बाकी के 20 क्वेश्चन को मात्र 10 मिनट में करने की आदत डालनी होगी, और वो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उनको टिक लगाना होगा, फिर जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार है, ए या बी या सी, किसी एक पे टिक मार देना होगा। मे भी हो सकता है कभी कोई सही हो जाता है, कभी कोई, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। और एक लास्ट में एक और बात बताना चाहूंगा कि आप समय से परीक्षा सेंटर पे पहुंचिए। अगर 10 मिनट भी लेट जाते हैं उस समय जो माइंड का जो बनावट हो जाता है, उस समय माइंड की जो स्थिति हो जाती है बहुत घबराहट भरी हो जाती है। समय से पहुंचेंगे, 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, जाके 5 मिनट पहले टेबल पे बैठ जाएंगे, तो निश्चित तौर से आपका माइंड एकदम कूल कूल रहेगा और एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया से आप तैयार होकर जाएंगे। देर से जाएंगे, हड़बड़ाहट में जाएंगे, उस समय आते हुए क्वेश्चन भी आपको भूल जाते हैं, तो समय से पहुंचिए। अगर आपको लगता है तो एक आध घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए, वहां भी कुछ स्टडी कर लीजिए, मैं भी तुरंत का पढ़ा हुआ, वहां आपको बहुत याद रहेगा। और साथ ही साथ YouTube पे हमारे बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो IRDA एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ये वीडियो आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, और एट लास्ट पार्ट 3 भी देख लीजिए। इतना पढ़ने के बाद आप ये पहले पार्ट को क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, दूसरे पार्ट का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, और तीसरे पार्ट का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। और साथ ही साथ आप ये वीडियो भी देख लीजिए कि 2022 में हम 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। पासिंग टिप्स का एक और मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिए, आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। और एक बात और बता देता हूं, वन सिंगल एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। If you want to get success, then you should try. यानी आप अगर सफलता पाना चाहते हैं तो आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। एक एग्जाम आपके भविष्य को तय नहीं कर सकती है मित्रों, लगे रहिए। परीक्षा पास करना बिल्कुल आसान है, अगर आप में चाहत है, आप में कैपेबिलिटी है, आप में अगर इच्छा है तो आप एक बार में पास हो सकते हैं, बस आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। क्वेश्चन कहां कहां से घुमा के पूछता है मैं नहीं कह सकता हूं, बट अगर आप हर क्षेत्र का क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो 17 नंबर पाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्दी ही पास होइए और इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में जुड़िए। साथ ही साथ पास होने के बाद हमें कमेंट भी करिएगा कि सर आई पास्ड या मैं पास हो गया। और साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके पास होने की कामना करता हूं, और इस मंगल कामना में मैं ईश्वर से आशीर्वाद चाहता हूं कि हमारे वीडियो देखने वाले सभी बंदे जरूर पास हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस एंड फैंटास्टिक डे फॉर यू, योर टीम एंड योर फैमिली। बाय बाय एंड टेक केयर।